आज तो आपकी क्लास नहीं है शायद नहीं नहीं आज कल क्लास नहीं हुई थी ना तो इसीलिए मैं ले रहा हूं आज कल ट्यूजडे को डिस्टर्ब था तो इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू रूटीन नहीं है कल क्लास नहीं हुई थी ना इसीलिए मैं ले रहा हूं तो क्लास शुरू करें हाँ वो अब बताइए क्लास शुरू किया जाए शुरू कर दीजिए सर हाँ शुरू कर देते हैं तो आज जो है वाटर जेट और एब्रेसिव बच्चे आ रहे हैं अभी उसको एंटर कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग लिस्ट डिफरेंट वाटर जेट एंड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम लिस्ट टेन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ एब्रेसिव वाटर जेट सिस्टम लिस्ट ऑफ द four applications of the abrasive water jet system list three advantages of the abrasive water jet system list material that can be processed by the abrasive water jet system mention functions of the different elements of the abrasive water jet system

डिटेल like से पढ़ा हुआ था उसी के ग्रुप का ये आपको

मशीनिंग प्रोसेस का ग्रुप यहां पर आपको दिया हुआ है ये ये आपको प्रोसेस है है ना ये प्रोसेस है उसी के अंदर ये वाटर जेट मशीनिंग एन एब्रेसिवेटर वाटर जेट मशीनिंग आता है ये आपको थर्मल प्रोसेस है इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है ना एल बी एम पी एम ईडीएम दूसरा ये इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है ई सी एम ईडीजी है ना ये आपको केमिकल प्रोसेस है केमिकल मशीनिंग

पंपिंग मेथड है इनडायरेक्ट पंपिंग मेथड है और बायपास पंपिंग मेथड है है ना ये सारे वेरिएंट्स आपको इसमें आपको दिया गया है तो ये एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का फिगर दिया हुआ है आपको है ना ये एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग सीएनसी वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम ऑन द कटिंग हेड्स का आपको फिगर आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ये फिगर

वाटर भेजा जाता है एंटी इंटेंसिफायर वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर एप्लीकेशन यूजिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन आर यूज्ड इन द जूट बेल प्रेसेस ये आपको वाटर इंटेंसिफायर है वाटर इंटेंसिफायर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया ये आपको वाटर इंटेंसिफायर है है ना इंटेंसिफायर है ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ये हाइड्रोलिक सिस्टम से आपको यहाँ पर जो है आपको

थाउजेंड मीटर पर सेकेंड ये उसमें आपको दिया जाता है तो सच हाई वेलोसिटी वाटर जेट कैन मशीन मसीन थीट फॉइल्स ऑफ लेदर टेक्सटाइल फ्रोजन फूड लेट्रा है ना इन प्योर वाटर जेट मशीनिंग कमर्शियली प्योर वाटर टैप वाटर इज यूज फॉर मशीनिंग पर्पज हाउ यूवर एज द हाई वेलोसिटी वाटर जेट इज डिस्चार्ज फॉर फ्रॉम द पर्पज ऑफ द जेट टेंटमोसफियर फेयर एंड फ्लेयर्स ऑफ द डिक्रीजिंग इट्स कटिंग एबिलिटी

जो यहाँ आपको बताया जा रहा है दूसरा एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में आपको ग्लास ब्रिड और सेंड आपको एड कर दिया जाता है तो वो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग हो जाता है उससे आपको कटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा आपको बढ़ जाता है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आर ऑफ़ द टू टाइप्स इंटरटेन एंड सस्पेंडेड टाइप एज मैं ियल in वो उसको आपको मशीन किया जा सकता है आपको फोटोग्राफिक ऑफ द कमर्शियल वाटर जेट मशीन आपको यहाँ पर आपको क्लोज कटिंग स्पीड आपको यहाँ पर दिखाया गया है जो अपलिकेशन है

टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री में यूज हो जाता है सर्जरी में किया जाता है न्यूक्लियर पार्ट डिसमेंटलिंग में किया जाता है ये सारे एप्लीकेशन है दोनों वाटर जेट और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का मटेरियल्स कौन कौन सा कर सकते हैं ये सारे मटेरियल आपको लिस्टेड है स्टील्स कर सकते हैं नॉन फेरस ए कर सकते हैं टाइटेनियम एलॉय कर सकते हैं निकल एलॉय कर सकते हैं पॉलीमर्स कर सकते हैं होनीकॉम कर सकते हैं मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट कर सकते हैं सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट कर सकते हैं देखिए हार्डर से हार्डर मटेरियल जो है इस मशीनिंग प्रोसेस से आपको हो सकता है है ना स्टोन ग्रेनाइट वुड रेनफोर्स प्लास्टिक मेटल मेटल पोलिमर लेमिनेट ग्लास फाइबर लेमिनेट ये सारे उसमें आपको कर सकते हैं है ना

बनाए गए हैं ये पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग कम्पोनेट स्टेस स्टेशनलेस स्टील प्लेट ये सारे पार्ट आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग से ये आपको दिखाए जा रहे हैं वाटर जेट एंड वाटर जेट मशीनिंग इंडस्ट्री एक्सट्रीमली फास्ट सेटअप एंड प्रोग्रामिंग इसमें फास्ट सेटअप है और प्रोग्रामिंग फास्ट है की आपको जरूरत नहीं है मशीन वर्चुअली एंड टू डी सेव ऑन मेनी मेटल ये सारे एडवांटेज आपको बताए जा रहे हैं वेरी लो साइड फोर्सेस डूरिंग द मशीनिंग एलमोस्ट नो हिट जनरेटेड ऑन द पार्ट मशीन थिक प्लेट्स ये इसके बारे में एडवांटेजेस आपको बताया गया कि ये जो है है दूसरा आप मशीन के बारे में स्टडी कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग इंटरटेन इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ये आपको फॉलोइंग कंपोनेंट है जो आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में आपको दिखाया गया है है ना एलपी बूस्टर नंबर वन हाइड्रोलिक ड्राइव नंबर टू एडिटिव मिक्सचर नंबर थ्री डायरेक्शन कंट्रोल नंबर फोर नंबर फाइव इंटेंसिफायर ये इंटेंसिफायर यहां पर आपको दिखाया गया था जिसका फिगर मैं अभी आपको दिखाया यही आपको इंटेंसिफायर है यहां से आपको प्रेशर बनता है तो फाइव ए में लो लो प्रेशर एंड डिफेंस फायर है फाइव बी में हाई प्रेशर एंड इंटेंसिफायर है नंबर सिक्स में एकटर है और यहां से आपको इस पॉइंट से फोकस करके मशीनिंग किया जाता है ये आपको स्कमेटिक डायग्राम आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का वाटर जेट मशीनिंग का आपको दिखाया जा रहा है है ना ये आपको कंप्लीट कंप्लीट जो कंपोनेंट है

है ना दूसरा ये आपको आपको ये आपको इंटेंसिफायर है उसको अलग से जो ऑफ द पावर बैकअप का यूज करता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप का यूज करता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है इंटेंसिफायर आपको यहाँ पर दिखाया गया है है ना ये कैसे जो है प्रेशर को आपको बढ़ाता है द हाइड्रोलिक

ये आपको प्रेशर यहां पर आपको निकाल सकते हैं इसके हाइड्रोलिक है इंटेंसिफायर का आपको प्रेशर आपको दिखाया गया है ये आपको नोजल यहाँ पे दिखाया जा रहा है फोक्सिंग ट्यूब है एब्रेसिव यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं ये ऑर्फिस है हाई प्रेशर वाटर यहां से जाता है ये आपको नोजल जो है आपको यहां पर दिखाया गया है कॉर्पोरेशन यूएसए का बनाया हुआ नोजल पर आपको फिगर में आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर कट सेक्शन मॉडल ऑफ द नोजल दिखाया जा रहा है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का है ये नौ, यहाँ है है ना ना कट सेक्शन नो, नोजल पे दिखाया जा रहा मिक्सिंग कैसे होता है मिक्सिंग यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वाटर जेट इंटर होता है और टाजेटी ऑफ द एब्रेसिव पार्ट की इंटर होता है और दोनों का मिक्सिंग जो है फोक्सिंग ट्यूब के अंदर ये मिक्सिंग प्रोसेस है यहाँ पर आपको एब्रेसिव और वाटर जो है आपको मिक्सिंग होता है ये आपको मिक्सिंग चैंबर है ये आपको फॉक्सिंग ट्यूब है ये यहाँ पर आपको मिक्सिंग प्रोसेस जो है ये एब्रेसिव और वाटर जेट का आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना मिक्सिंग चैम्बर आपको दिखाया गया है दूसरा आपको ये आपको सस्पेंशन स्कोमेटिक ऑफ द सस्पेंशन जेट आपको दिखाया जा रहा है इंडायरेक्ट पंपिंग है बाईपास पुल है

कंप्लीट आपको यहां पर दिखाया जा रहा है कि क्या उसका जो है है ना होगा दूसरा मैकेनिज्म ऑफ द रिमूवल मैकेट आर द मैकेनिज्म ऑफ द रिमूवल जनरल डोमेन ऑफ द पैरामीटर इज इंटरटेन इन द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम इज गिवन बिलो और फिश इतना डायमीटर का होगा फोक्सिंग ट्यूब इतना मिलीमीटर का होगा प्रेशर इतना अप्लाई किया जाएगा एब्रेसिव गार्नेट और ऑनलिव इतने साइज का होगा एबिव फ्लो इतना के पर मिनट होगा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वन टू टू मीटर होगा मशीन इंपैक्ट एंगल इतना होगा ट्रेवर्स स्पीड इतना होगा कट आप इतना गेन कर सकते हैं है ना तो इन केस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दसिव वाटर जेट मशीनिंग आपको यहाँ पर आपको मेटेरियल का आपको यहां दिखाया गया है दूसरा इन द वाटर जेट मशीनिंग मेटल रिमूवल रेट में बी एज्यूम एज प्रोपोर्शनल टू द पावर टू द वाटर जेट है ना मेटल रिमूवल रेट इज प्रोपोर्शनल टू द पावर टू द वाटर जेट ये फॉर्मूला फाइव बाई फोर डी स्क्वायर पीडब्ल्यू पी रो इज रो स्क्वायर ये आपको दिखाया गया है ना ये ये, ये फॉर्मूला होगा है ना ये आपको वाटर जेट का आपको दिखाया गया है दूसरा वाटर जेट मशीनिंग में जो ये वाटर जेट मशीनिंग है ये इस तरह का आपको कर्फ जो है प्रोड्यूस होता है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है बीबी -बी, बी टी ये, ये बर रहता है यहाँ पे ये यहाँ पर ये दिखाया गया है एसमेटिक वाटर जेट कर्फ जो है फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द कर्फ क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया कर्फ का फिगर ये इस तरह का आपको स्टिकन मार्स यहां पर आपको मशीनिंग करने के बाद ये यहां पर आता है इसके बारे में आपको मशीनिंग करने का कर्फ के बारे में आपको यहां पर बताया गया देखिए यहां पर फोटोग्राफिक ऑफ द बैक साइड ऑफ द कर्फ ये आपको दिखाया गया है कि जब जब मशीनिंग करेंगे मशीनिंग करेंगे तो आपको जो कर्फ आएगा वो इस तरह का कर्फ आएगा ये आपको बताया गया जो आपको वाटर जेट

ऑफ द एब्रेसिव फेज ऑफ द एब्रेसिव वाटर जैन कैन बी एस्टिमेटेड ये आपको पावर कितना एस्टिमेट होगा ये यहाँ पर फार्मूला आपको दिखाया गया ये फार्मूला आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कितना पावर जो है एब्रेसिव वेट में आपको यूज होगा उसके फार्मूला के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है दूसरा आपको मिक्सिंग रेशियो और कटिंग एबिलिटी ये आपको ग्राफ यहां पर दिखाया गया है What is the 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 mixing Mixing ratio ratio in in x-axis y-axis? and cutting ability in the y -axis? Mixing ratio, जैसे जैसे cutting ability िटी भी बढ़ते जाता है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया। है ना? जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है कटिंग एबिलिटी आपका बढ़ता जाता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना दूसरा environmental इश्यूज क्या क्या है एंड द फ्यूचर डायरेक्शन

स्पेंट वाटर डिस्पोजल दूसरा इशू है चिप रिकवरी ये भी तीसरा इशू है एंड एब्रेसिव रिकवरी ये भी जो है abrasive recovery and reuse, उसका ये आपको इशू है इन्वाचर टू यूज सच टाइप ऑफ द मीडियम एंड्रेसिव दैट डोंट रिक्वायर डिस्पोजल है ना रिसाइकलिंग और लीड टू दॉल्यूशन तो इसमें इन्वायरमेंटल इशू है आपको वाटर रिसाइकलिंग का जो इशू है पहला इशू है और दूसरा वाटर डिस्पोजल का कीप रिकवरी एरिया ऑफ द हाई प्रेसरानिकेट मशीनिंग है फिगर आपको दिखाया है क्रानिक एब्रेसिव जेट मशीन फिगर आपको दिखाया है वीआर लिक्विड नाइट्रोजन रिप्लेसेस द वाटर And dry ice the होते हैं वाटर रिसाइकलिंग का स्पेंट वाटर डिस्पोजल का चीप रिकवरी का एब्रेसिव रिकवरी का और रिज का है ना ये चार आपको इन्वायर इन्वॉर्मेंटल इशू है तो इसमें

मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर ये यहां पर आपको निकाल दिया गया है ना सिंपल प्रॉब्लम यह भी आपको आता है सिंपल प्रॉब्लम है यह भी कभी कभी आता है तो इफ द मास वन के जी पर मिनट डिटरमाइन दसिव वाटर जेट वेलोसिटी लॉस डूरिंग द मिकसिंग यूजिंग द्वेश्चन ये तो वाटर वेट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है इसमें मिक्सिंग मिक्सिंग रेशियो रेशियो दिया दिया हुआ है आर जो है है है, जो मास मास ऑफ़ ऑफ़ ये यहां पर आपको निकल गया ना? में determine the depth of the penetration निकाला हुआ है उसका फॉर्मूला ये है डेप्थ ऑफ देशन का इफ स्टील प्लेट ऑन इज एब्रेसिव जेट इज मशीन एट ए ट्रेवल स्पीड ऑफ द थ्री हंड्रेड पर मिनट विद द डायमीटर वन एम एम द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द स्टील ये आपको ये निकाला हुआ है एस टी का ये ये फॉर्मूला होता है डी जीरो रेशियो है डेंसिटी है यू जॉब है डी जे डेप्थ ऑफ कट है फेलोसिटी है ये यहाँ पर आपको सारा पुटअप कर दिया गया और ये आपको निकाला गया है है ना दूसरा क्वीज क्वेश्चन वाटर जेट मशीनिंग कैन नॉट बी यूज टू मशीन नंबर ए फ्रोजन फूड नंबर बी प्लाईवुड नंबर सी लेदर नंबर डी स्टील प्लेट्स है ना तो यहां पर वाटर जेट मशीनिंग का आंसर आपको नंबर डी आएगा इन द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग मिक्सिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इंटेंसिफायर कैचर मिक्सिंग चैम्बर और फिश कहां पर जो है मिक्सिंग होता है आंसर है जी सी क्विज क्वेश्चन का कुछ आपको यहां पर भी प्रैक्टिस जो है आपको यहां पर आपको

कौन सा आपको एब्रेसिव के तरह यूज हो सकता है नंबर ए ड्राई आइस क्यूबिक ए ड्राई आइस है ना तो ये आपको एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में आपको यहां पर आपको क्लियर किया गया फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं ये सारे आप जो स्ट्रेक्टरल ऑब्जेक्टिव है यही सारे इसमें आप यहाँ पर पढ़ेंगे है ना एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग आपको मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आता है मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर में आता है ईबीएम ये थर्मल प्रोसेस के अंदर में आता है ईसीएम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के अंदर में आता है और केमिकल मशीनिंग आपको केमिकल प्रोसेस के अंदर में आता है यहाँ पर अटेंडेंस लगा देते रोखर जी इज प्रेजेंट आकाश पवार जी थ्री इज प्रेजेंट अंकित शर्मा जी सिक्स इज प्रेजेंट हिमांशु जी सेवेंटीन इज प्रेजेंट हिमांशु पुंडीर जी एटीन इज प्रेजेंट हिरदेश जी नाइंटीन इज प्रेजेंट जितेंद्र राणा जी ट्वेंटी थ्री इंच प्रजेंट नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट राहुल जी 32 इज प्रेजेंट सर कार्तिक क्लास नहीं ले पा रहा है उसका नेटवर्क इशू है देख लो सर हाँ ठीक है उसका बना देंगे रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट कार्तिक प्रसाद जी प्रेजेंट ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट रौनक कुमार जी थर्टी नाइन इंच प्रजेंट चंदन शाह जी एट इंच प्रजेंट जैनेश चौहान जी ट्वेंटी टू इंच प्रजेंट राहुल सिंह जी थर्टी फोर इंच प्रजेंट तो फिर से मैं अटेंडेंस आपको बता देता हूं राहुल सिंह जी थर्टी फोर इच प्रजेंट जैनेश चौहान जी ट्वेंटी टू इच प्रजेंट चंदन शाह एट इज प्रजेंट रौनक कुमार जी थर्टी नाइन इच प्रजेंट रिशभ नायक जी फिफ्टी फोर इच प्रजेंट रामदत्त भट्ट जी थर्टी एट प्रजेंट राहुलर्टी टू इच प्रजेंट पवन नेगी जी थर्टी इज प्रजेंट नंदिनी जी ट्वेंटी नाइन इच प्रजेंट जितेंद्र राणा जी ट्वेंटी थ्री इच प्रजेंट हिदेश जी नाइनटीन इज प्रजेंट हिमांशु फुडूल जी एटीन इज प्रजेंट हिमांशु जी सेवनटीन इज प्रजेंट अंकित शर्मा जी सिक्स इंच आकाश पवार जी थ्री जी, जी तो अभी हम लोग नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे ये सारे मशीनें अभी सभी इंडस्ट्री में आपको लग रहा है इसीलिए इसके बारे में जॉ जानकारी रहने से आपको जॉब मिलने में आसानी होगी ये सारे मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस हैं और यही सारी मशीनिंग प्रोसेस जो है आपको इंडस्ट्री में अभी लगाया जा रहा है जितने मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं अब ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस हट रहा है और सी और ये आपको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आपको सभी इंडस्ट्री में लग रहा है तो इसके जानकारी होने से आपको जॉब जो है आसानी से मिल जाएगी तो इसके एप्लीकेशंस देखिए आपको यहाँ पर बताए गए थे कि एप्लीकेशंस इसके बहुत हैं पेंट रिमूवल में है क्लीनिंग में है कटिंग सॉफ्ट मटेरियल में है कटिंग फ्रोजन मीट में है टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री में है मास इम्यूनेस में है सर्जरी में है पिनिंग में है कटिंग में है पॉकेट मिलिंग में है ड्रिलिंग में है टर्निंग में है न्यूक्लियर प्लांट मिसमेंटलिंग में दूसरा मटेरियल जो जो उसमें कट कर सकते हैं वो सारा मटेरियल का लिस्टिंग आपको यहाँ पर किया हुआ है स्टील किया हुआ है टीए एन आई एलॉज किया हुआ है पोलिमर्स किया, 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 किया गया है होनीकॉम्स किया गया है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट किया गया है सेरामिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट किया गया है कंक्रीट किया गया है स्टोन ग्रेनाइट किया गया है और वुड किया गया है रेनफोर्स प्लास्टिक किया गया है मेटल पोलिमर लेमिनेट्स किया गया है ग्लास पोलिम्बर लेमिनेट किया गया है जो मशीन है मशीन का फिगर है यहाँ पर आपको दिखाया गया है और मशीन के फिगर पे आपको बताया गया है कि वाटर का जो प्रेशर होता है यहाँ पर 200 से 400 सौ मेगा आपको यूज, यूज किया जाता है जो इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी के मदद से किया जाता है इंटेंसिफायर का फिगर मैंने आपको दिखाया था अभी यहाँ पर एन इंटेफायर वर्क ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द प्रेशर एप्लीकेशन यूजिंग द हाइड्रोलिक सिलेंडर ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है ना

दिखाया गया था दूसरा अप्लीकेशन बताया गया मेटेरियल बताया गया ये सारे अप्लीकेशन के पार्ट्स हैं क्या क्या पार्ट्स उसमें आपको मशीन हो सकता है दूसरा एडवांटेजेज यहाँ पर आपको बताया गया है ये सारे हैं एक्सट्रीमली फास्ट सेटअप एंड प्रोग्रामिंग वेरी लिट फिक्चरिंग फॉर द मोस्ट पार्ट आपको बताया गया मशीन वर्चुअली एंड द ये इसमें किया गया वेरी लो साइड फोर्सेस ड्यूरिंग द कटिंग मशीनिंग ये इसमें आपको बताया गया ऑलमोस्ट नो हिट जनरेटेड ऑन द पार्ट मशीन थिक प्लेट्स ये सारे हीट जनरेशन नहीं होता है है ना वेरी लो साइड फोर्सेस ड्यूरिंग द मशीनिंग ये आपको बताया गया इसमें तो मशीन जो है मशीन का भी जो फिगर आपको यहाँ पर बताया गया है छह में है और यहाँ से फाइनली जो है आपको पॉइंट ए में आपको जो है फोकस किया जाता है, है ना नंबर वन एल बूस्टर है नंबर टू हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ड्राइव है नंबर थ्री एडिटिव मिक्सचर है नंबर डायरेक्शन कंट्रोल है नंबर फाइव इंटेंसिफायर है नंबर फाइव ए लो प्रेशर इंटेंसिफायर है नंबर फाइव बी हाई प्रेशर इंटेंसिफायर है नंबर सिक्स एक्मलेटर है और यहां से जो है आपको पॉइंट ए में आपको यहाँ पे मशीनिंग होता है है ना? तो ये आपको यहां पर आपको निकाला गया है फिगर आपको आसान है छह कंपोनेंट हैं, उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है, ना? इंटेंसिफायर का सेपरेट फिगर आपको यहां पर बताया गया है सेपरेट फिगर इंटेंसिफायर का बताया गया है फॉर्मूला यहां पर आपको निकाला गया है पीडब्ल्यू कितना होगा पीएच इंटू ए रेशियो ए लार्ज इंटू ए स्मॉल ये यहां पर निकाला गया है यहां पर हाइड्रोलिक प्रेशर आपको हंड्रेड बार होगा एरिया रेशियो फोर्टी होगा पीडब्ल्यू आपको फोर थाउजेंड बार होगा ये यहाँ पे आपको निकाला गया है है ना ये आपको यहाँ पर निकाला गया है ये जो मिक्सिंग होता है ये नोजल आपको दिखाया गया है नोजल आपको बताया गया है कि एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में नोजल किस तरह का होगा ये कवर दिखाया गया है फोक्सिंग ट्यूब दिखाया गया है एब्रेसिव यहां से एंटर करेगा और फिश यहां से एंटर करेगा हाई प्रेशर वाटर आपको यहां से एंटर करेगा ये नोजल यहां पर आपको दिखाया गया है है ना इसी नोजल का यहां पर आपको स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाया गया नोजल का है ना तो ये नोजल के बारे में आपको दिखाया गया दूसरा मिक्सिंग किस तरह होता है व्यू ऑफ़ द मिक्सिंग ऑफ द वाटर जेट ये आपको मिक्सिंग चैम्बर है एंड टार्गेट्री ऑफ द दार्टिकल है फोकस ट्यूब ये ट्यूब है यहाँ मिक्सिंग होकर के ये फोक्सिंग ट्यूब में ये आपको दिखाया गया डूरिंग द मिक्सिंग प्रोसेस दार्टिकल्स आर ग्रेजुअली एक्लेटेड डू टू द ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम

दूसरा ये सस्पेंशन जेट स्कीमेटिक ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग सस्पेंशन टाइप इनडायरेक्ट पंपिंग बायपास प्रिंसिपल ये लो ये आपको बताया गया सस्पेंशन हो गया ये प्रेशर हो गया एचपी वाटर फ्रॉम पंप है ना एचपी वाटर फॉर पंप यहां पे है एब्रेसिव यहां पर है प्रेशर भिसिल यहां पर है और ये यहां से निकाला गया है ना, तो मैकेनिज्म ऑफ मेटल रिमूवल का मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला ये यहां पर आपको बताया गया है मेटल रिमूवल रेट है ना मटल बताया गया दूसरा मशीनिंग में कर्फ प्रोड्यूस होता है कर्फ प्रोड्यूस होता है वो टैपर्ड होल प्रोड्यूस होता है उसका फिगर आपको इनलाज करके माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिया हुआ है कि किस तरह का कर्फ जो है आपको प्रोड्यूस होता है ये फिगर यहां पर आपको दिया हुआ है कर्फ का जो है फिगर यहां पर आपको बताया गया है ना कर्फ का फिगर फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द कर्फ इस तरह का कर्फ जो है एक्सी में आपको प्रोड्यूस होता है वो आपको यहां पर बताया गया है, ना? तो आज यहीं तक रहने देते हैं आज जो है अभिषेक कुमार दुबे जी आरबी ने एंटर किए हैं, ठीक है तो फिर आज यहीं तक रहने देते हैं ये कर्फ जो है जेट इफेक्टेड जोन दिखाया गया है बर दिखाया गया है और ये कर्फ दिखाया गया है ये जो स्टेशन मार्क जो है इसी तरह का जो है फोटोग्राफिक व्यू ऑफ द कर्फ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इसी तरह का जो है फोटोग्राफिक व्यू आपको कर्फ जो है आपको प्रोड्यूस होगा इसी तरह का आपको कर्फ जो है सरफेस जो है